करने के लिए आई हूँ। अगस्त के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगने शुरू होंगे और शाम को तो यहाँ पे इतनी रौनक। कपड़ों की, साड़ियों की आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो, अगर किसी की फैमिली में कोई शादी है, कलर कॉम्बिनेशन देखना हो आप स्क्रीनशॉट लेके ऐसे बनवा। ये देखिए स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सुभान अल्लाह। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक नई और ज़बरदस्ती वीडियो लेके आ गई हूँ। वीडियो ये है कि आज हम जा रहे हैं सब ग्रीन स्ट्रीट। तो क्योंकि मैं जब भी लंदन आती हूँ ना, मेरी कोशिश होती है कि मेरा एक चक्कर ग्रीन स्ट्रीट पे लाजमी लगे, कुछ लेना हो या ना लेना हो। लेकिन मुझे वैसे ही वहाँ की वाइब्स बहुत अच्छी लगती हैं, वहाँ का जो एटमोसफियर होता है ना, मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो अदनान ने मेरे से प्रॉमिस किया था कि हम जब भी लंदन जाएंगे मैं तुझे लेके जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि जल्दी से बस रेडी हो जाओ, तो ग्रीन स्ट्रीट चलते हैं। जस्ट थोड़े से टाइम के लिए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोई शॉपिंग नहीं करनी है, जस्ट ग्रीन स्ट्रीट को देखना है और इन्जॉय करना है। तो सोचा आपको भी साथ लेके जाती हूँ और दिखाती हूँ और इन्जॉय करते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर ग्रीन स्ट्रीट और वहाँ जाके फिर आपको दिखाते हैं कि क्या हम करते हैं और कैसे इन्जॉय करते हैं। गाड़ी आ चुकी है हमें लेने के लिए और अदनान लोग भी हमें लेने के लिए आ गए। तो अब हम चलते हैं और चल के फिर आपसे मिलते हैं। लो जी, ग्रीन स्ट्रीट पर हम पहुंच चुके हैं और ये देखो इब्राहिम दुआ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इब्राहिम? यस। तो ये है ग्रीन स्ट्रीट और ये वही ट्रेडिशनल बर्तनों की दुकान, ये जो सबसे मेरी फेवरेट है। इसमें मैं एक चक्कर लगा के आपके, आप इधर बैठ जाओ, आओगे मैं आई एक चक्कर लगा के। ये देखो जी ज्वेलरी वाली दुकान, इसमें इतनी इतनी नाइस ज्वेलरी है और आगे गोल्ड ज्वेलरी की भी दुकान है। और काफी थोड़ी सी चेंज चेंज नहीं लग रही बच्चों कि वैसे ही है? चेंज लग रही है कि वैसे ही? मुझे तो वैसे ही लग रही है, थोड़ी सी दुकानें कुछ कम हो गई हैं, कुछ ज्यादा हो गई हैं, बाकी वैसे ही है। अम्मी आप बताएं, इतने सालों में आपने देखी है कितनी चेंज हुई है? वैसे ही है कि चेंज हो गई है? वैसे ही है। ये तो मेरा फेवरेट प्लेस है ग्रीन स्ट्रीट, मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ दुआ ये देखो जी उनसे के जो खुशे होते हैं ना वो बहुत नाइस होते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और ये सारे इंडियन पाकिस्तानी स्नैक्स भी पड़े हैं, कुरकुरे तो ये तो वो, ये देखो 241 पार्ले जी, दीज आर द स्नैक्स। ये देखो जी ये हम आए हैं वैरायटी शॉप में, तो यहाँ से बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें मिलती हैं, सारी हर तरह की आटा दालें चावल हर तरह की चीज़ें मिलती हैं यहाँ से। हाँ जी और आगे आगे चलना बच्चों, आगे एंड वाले में। Let me have a look here. और ये इधर ही होंगे, इधर से मैंने लेना है और फिर चलते लगा। देखो जी ये मैं ना स्कार्फ लेने के लिए आई हूँ, इनके पास इतनी वैरायटी है स्कार्फ्स की कि आप एक देखते हो ना तो आपको दूसरा भूल जाता है। हाँ जी ये देखो ये वाला कलर भी ले लेते हैं। तो मैं ना इधर से स्कार्फ्स हमेशा जब भी आती हूँ ना लेती हूँ, क्योंकि फिर रैंडम कलर्स बंदा उठा लेता है ना, तो कोई भी कपड़ों के साथ मैच हो तो अच्छे लगते हैं। तो ये ग्रीन स्ट्रीट में दुकान है, ये देखें जी ये है चाट चूट वाली शॉप, ये एक और आगे स्कार्फ वाली शॉप, इधर भी देख लेते हैं क्या वैरायटी। कम इन साइड, ये देखो जी फ्रेंजोस इधर ग्रीन स्ट्रीट पे भी खुल गया, पहले तो ये इल्फर्ड लेन में था, अब ये ग्रीन स्ट्रीट पे भी खुल गया फ्रेंजोस। ओ ये है सामने निराला विराला, तो ये सारी अभी शॉप्स चल रही हैं। और ये कपड़ों की स्कार्फ्स की, अगेन स्कार्फ्स की बड़ी प्यारी प्यारी वैरायटी होती है यहाँ पे, तो मैं तो जो शॉप देख रही हूँ मैं उसके अंदर चली जाती हूँ और जाके एक्सप्लोर करती हूँ।
ये कैश एंड कैरी है और आगे ये फिर ऐसे ही खाने पीने की दुकानें, चाय वाला भी है। और ये देखें जंपर्स स्वेटर्स ये भी लगे हुए हैं, ये देखें बड़ी वैरायटी है इस शॉप पे भी। हाँ तो ये आगे है और आगे ईस्ट शॉपिंग सेंटर है जी। 14 अगस्त के लिए यहाँ पे स्टॉल्स लगने शुरू हो गए हैं और शाम को तो यहाँ पे इतनी रौनक होनी है, इतना हल्ला गुल्ला होना है ना, लेकिन हम उस रश को अवॉइड करने के लिए, हो सकता है हम शाम को भी निकल आएँ लेकिन हम अभी इसी टाइम ही निकल आए हैं ताकि हम उस रश को अवॉइड कर सकें। और वैसे भी शाम को हमने जाना है तो शायद टाइम ना मिल सके, इसलिए अभी इधर ही हैं हम। तो ये पाकिस्तानी मैंगो का ढेर लगा हुआ है यहाँ पे और ये स्टॉल्स भी हैं, राखियाँ भी हैं, राखियाँ इंडियन शॉप है ना, राखियाँ भी रखी हुई हैं। पूरा देसी माहौल है, आपको देखें लगेगा ही नहीं कि आप, ये देखो अंकल झंडा लहरा रहे हैं पाकिस्तान का ऐसे आपको फील ही नहीं होगा कि आप इधर इंग्लैंड में फिर रहे हो, कैसा पूरा प्रॉपर देसी माहौल बना होगा। देखो नवाल हर शॉप है, मैं कहती हूँ हर शॉप यहाँ पे मौजूद है, नवाल है, निराला है, आई थिंक अम्बाला भी है इधर ही कहीं। कपड़ों की साड़ियों की आप कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हो, अगर किसी की फैमिली में कोई शादी है कलर कॉम्बिनेशन देखना हो आप स्क्रीनशॉट लेके ऐसे बनवा भी सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी इस कलर कमाल है ना, ये वाली, ये देखिए बनारसी लग रही है और इसके साथ जो वाइट वाली है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे मरून अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी साड़ियों वाली दुकान है आई थिंक ये क्या, हाँ जी इंडिया की। ये देखो जी अम्मी और बच्चे आ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी सी गर्मी है तो ये लोग टायर्ड हो गए हैं तो बस अब हम निकलने लगे हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया 14 अगस्त की वजह से भी काफ़ी रश है। तो आगे चलते हैं। अम्मी आपको मज़ा आया, इंजॉय किया आपने? सही है, जूस लश ये वो हर दुकान है। लंदन की खसूसियत ये है कि यहाँ पे हमेशा आपको रश मिलेगा, स्पेशली ईस्ट लंदन में, और आपको यहाँ पे एक भी गोरा नज़र नहीं आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे हमारे एशियन लोगों ने ना इनके मुल्क पे टेक ओवर कर लिया हुआ, कोई गोरा नहीं। आप देखें ये मैं आपको रोल करके दिखा रही हूँ, सारे अपने लोग हैं और बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, ऐसे लगता है जैसे आप अनारकली या इछरे के किसी बाज़ार में फिर रहे हो। तो वो औरतें मुझे बाय बाय कर रही हैं और आप भी उनको वेव कर दो, बाय बाय कर रही हूँ, उनको लग रहा है मैं वीडियो बना रही हूँ। तो ये साथ ही ज्वेलरी की शॉप है तो बस इसके साथ ही ना अब हम मुड़ने लगे हैं, हम जा रहे हैं क्योंकि हमने शॉपिंग तो खैर इतनी नहीं करनी थी पर थोड़े से स्काफ मैंने लिए और बस। ये देखो भाई इब्राहिम और दुआ लंदन आके तो इनके चेहरे वैसे ही खिल गए, आज बताओ ग्रीन स्ट्रीट आके कैसा लगा? बेटर देन एवर, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है, हॉलीडेज हैं तो डिफरेंट हो गया। और जो अपना अपनी जो अपने लोगों की वाइब्स है ना इधर से फिर एक दफा आपको दिखा देती हूँ, और जो अपनी कम्युनिटी है उसको देख के तो वैसे बंदे का दिल खिल जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। तो बस अब हम चलने लगे हैं, जाते हैं और फिर घर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे क्या करते हैं। ये देखो जी हम गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं, स्लोली स्लोली चलते जा रहे हैं। मैं ये सोच रही थी कि जो इन घरों में रहते हैं उनकी कितनी मौज है, यहाँ से जस्ट स्टेप आउट करो और ग्रीन स्ट्रीट, मज़े नहीं है जब दिल किया ग्रीन स्ट्रीट में आगे। लेकिन ऐसे होता होता है कि जो लोग पास रहते हैं उनको कोई नहीं होता वो कहते हैं हम जाते ही नहीं होंगे। इब्राहिम और दुआ जा रहे हैं बातें करते करते। अब हम आ चुके हैं घर वापस, तो ग्रीन स्ट्रीट पे बच्चों ने काफी इंजॉय किया, मैंने भी बहुत इंजॉय किया, बड़ा बिजी था, आई थिंक छुट्टियां हुई हुई है ना इस वजह से काफी रश था, बड़ा बिजी था, बहुत मजा आया, इंजॉय किया। और कल के क्योंकि थके हुए हैं इस वजह से थोड़ी सी थकावट थी, लेकिन इंजॉय किया सबने बहुत।
तो अब सिचुएशन ये है कि अभी जस्ट शाम का टाइम हुआ है, तो बच्चे अभी और कहीं पे जाना चाह रहे थे, तो हमारे जो फ्रेंड हैं जिनके घर हम रह रहे हैं, उन्होंने बोला कि इनके यहाँ पे पास बहुत ज़बरदस्त सी ना रिवर साइड है, वहाँ पे ऊबर बोट्स भी चलती हैं और वहाँ पे रिवर थेम्स भी है, तो चलिए चलते हैं, चल के देखते हैं कि किस तरह की मतलब वो जगह है। उन्होंने बोला है कि वहाँ पे जो नेचुरल ब्यूटी है ना वो बहुत ज़्यादा, मतलब स्काई बहुत ब्यूटीफुल लगता है और जो रिवर है वो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं, एक थोड़ी सी लंबी वॉक हो जाएगी, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे, मौसम इतना ज़बरदस्त है, थोड़ी सी हम नेचर को इंजॉय कर लेंगे। तो चलिए आप हमारे साथ साथ चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह की जगह है। आज फिर इब्राहिम और दुआ पार्क में आए, और इब्राहिम ने माशाल्लाह से आज फिर से खुद ही चलाई है बाइक। तो अभी रेहान की टर्न है, रेहान वो जा रहा है और इब्राहिम और दुआ हम इधर वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते हैं, वो अभी चला के आएगा, फिर इब्राहिम की टर्न आएगी दोबारा से। ठीक है इब्राहिम, स्काई पे रेनबो बनी हुई है, रेनबो रेनबो। रेनबो रेनबो ये देखो रेनबो कितनी प्यारी। हाँ दुआ कितनी, हाँ माशाल्लाह जबरदस्त, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, वेदर बहुत नाइस है। नहीं नहीं जा रहे हैं हम आगे, बच्चों को लेके आए हैं यहाँ पे रिवर साइड, और रेनबो है, क्या सीन है, क्या नज़ारे हैं, क्या बात है। और बच्चे आ रहे हैं तीनों उधर मस्तियां करते करते, हाँ यहाँ से ऊबर बोट भी चलती है सेंट्रल लंदन के लिए, पार्किंग रिवर साइड। ये देखिए स्काई कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये देखो इधर रिवर थेम्स, माशाल्लाह जबरदस्त। दुआ अच्छा सीन है ना, रेनबो भी है, रिवर भी है, बोट भी इधर से चलती है ऊबर बोट, और ये हमारा जो है ना वली, वली कहता है मुझे अब उतार दो मैं नहीं बैठ सकता। वली 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 लुक एट मी वली, माऊ बिल्ली है ये, माऊ बिल्ली जैसी आवाजें निकाल रहा है। वाह माशाल्लाह ये बड़ी जबरदस्त जगह है, इतनी पीसफुल और इतनी ब्यूटीफुल है, और इतना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिल रहा है इसको देख के। ये इट्स नॉट फ्लडिंग स्वीट हार्ट, वो बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। हाँ वो अभी आगे जब तक आ जाएगा ना, वैसे है दुआ कह रही है बोरिंग है क्योंकि इधर जा नहीं ना सकते। ये देखें इधर इन्होंने साइंस लगाए हुए हैं और ये बनाया भी हुआ है फेंस, वार्निंग लगाई हुई है। यस लेकिन ऐसे ही बड़ा ब्यूटीफुल है, सीनरी कितनी प्यारी है, ब्यूटीफुल सीनरी है देखने के लिए, मैं तो बड़ा इंजॉय कर रही हूँ। नेचर आई प्योर नेचर, पीसफुल है, क्वाइट पीसफुल। ले जी वॉक करके हम वापस आ चुके हैं, शाम हो चुकी है और सारे अब टायर्ड है। अब टायर्ड हो ना अब? मजा आया, एंजॉय की वॉक? और कैसा था रिवर भी नाइस था ना, और रेनबो कैसी थी? सो कूल है, सो मच कलर्स ऑन इट, सो मच कलर, बहुत प्यारी जगह थी, बहुत पीसफुल, बहुत ब्यूटीफुल, और मौसम बहुत जबरदस्त था, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। काफी लंबी वॉक थी लेकिन इन सारों ने काफी लंबी वॉक की और इंजॉय किया, और किसी ने कोई कंप्लेन नहीं की कि हम थके हैं। तो बस अब हम बस थोड़ी देर में सो जाएंगे। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी है तो क्या करना है दुआ? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यस और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।